हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीक क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। कुछ जो डाटा हमने आपसे मांगा था वो आपने डाटा दिया है, बहुत सहयोग किया आपने जो डाटा दिया है, और गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को डाटा भरा। इसके अलावा थोड़ा बहुत डाटा रैंक आईक्यू से भी लिया गया है, यहाँ पे रैंक आईक्यू का भी सहारा इसमें लिया गया। ठीक है, अब इसमें हार्डेस्ट की शिफ्ट की बात करेंगे, एजीएस शिफ्ट की बात करेंगे, टीयर वन में सेफ मार्क्स, मतलब आपको टीयर वन में आपका सिलेक्शन हो जाए, टीयर टू में आप बैठने को मिले, आंसर की कब तक आ सकती है और आपका मेंस डेट कब तक हो सकती है, और यहाँ पे टीयर वन का रिजल्ट भी कब तक आ सकता है, टीयर वन का रिजल्ट भी आपका कब तक आ सकता है, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो आपके सामने है, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हम बताएंगे आपको तो उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, अगर वैकेंसी की बात करें और अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करूं या फॉर्म फिल किए उनकी बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2018 में 25 लाख ने फॉर्म फिल किया था, 8 लाख लोग पास अपीयर्ड हुए थे, 11,100 वैकेंसी थी। 2019 में जिसमें मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना हूँ, ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाले जिसमें 2019 में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख लोग आपको अपीयर हुए थे और 8,500 वैकेंसी थी। यहाँ 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 7 लाख अपीयर हुए, 7,035 वैकेंसी। यहाँ 20 लाख आपके फॉर्म फिल किए, 8 लाख अपीयर हुए, 7,686 वैकेंसी। और अभी 2022 का जो अभी हुआ है सब कुछ, 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 16 लाख उपस्थित हुए, 36,000 वैकेंसी है। और अभी 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन यहाँ पे अब तक क्योंकि ITR से अभी आंसर आया नहीं, तो इसमें अभी ITR का जब तक रिप्लाई नहीं आता तब तक अभी वेट करना पड़ेगा। और अभी 7,500 वैकेंसी के आसपास नोटिफाइड हैं, अभी परसेंटेज ये आप अपनी तरफ से निकाल लेना है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बात करूं तो लास्ट 5 ईयर से आपके टीयर 1 की प्रीवियस कट ऑफ ही ये है, UR, OBC, SC, ST, SC, OH और ESM, क्योंकि यहाँ 2018 में EWS कैटेगरी थी नहीं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 2019 से 147 कट ऑफ हुए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा यहाँ पर वो रहा था। और 2020 में भी कट ऑफ ठीक ठाक है, और ये आपका 2022 हो गया, ये 22 में आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, ये कट ऑफ गया था, लेकिन 36,000 वैकेंसी कुछ थी आपकी, यहाँ 36,000 वैकेंसी थी आपकी, यहाँ आपकी 7,600 थी, यहाँ आपकी 7,000 थी, यहाँ आपकी आपकी 9,584 थी, और यहाँ 11,000 के आसपास कुछ वैकेंसी, तो ऐसे हिसाब से देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे 75,000 वैकेंसी की 7,500 वैकेंसी के आसपास हैं आपकी, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें देखना पड़ेगा और उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कुछ आपको बताते हैं कि कैसा यहाँ पे कुछ क्या रहा। देखो, ये जो टॉप 6 पॉइंट है जो अभी हम बताने वाले, 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जाएगा मेंस में, तो मेंस के लिए जो सिलेक्ट होंगे, जो मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे वो लगभग 10 टाइम्स होंगे अपनी वैकेंसी, मतलब अगर मान लो 75,000 इतनी वैकेंसी है तो इसका 10 गुना, मतलब इतने स्टूडेंट्स के आसपास आपके 7,500 के आसपास स्टूडेंट आप में जो लग रहा है कि सिलेक्ट होंगे, क्योंकि अगर 10 टाइम्स बोला है, अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो इतने के आसपास स्टूडेंट आपके यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ वो देखते हैं बाद में कि कितना स्टूडेंट आप यहाँ पर 10 गुना वैकेंसी का अगर लेते हैं तो इतना भी स्टूडेंट्स ही आपका यहाँ पर सिलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगर इतना स्टूडेंट सिलेक्ट होता है तो वो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, 10 टाइम्स में 75,000 में बहुत कंपटीशन कम होता है, देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इतना कम नहीं होना चाहिए और इतना कम होगा भी नहीं जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, देखते हैं, बाकी जो भी होगा SSC बताएगा। पेपर वन का आपका फर्स्ट डे में ही मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो टीयर टू हो जो नेक्स्ट टाइम टीयर टू हो जो आपका नेक्स्ट टाइम वो एक ही शिफ्ट में सब खत्म हो जाए, एक ही दिन में आप एक ही डे में पूरा खत्म हो जाए आपका, जिससे आपका नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो आपका यहाँ पर घट जाए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी इंक्रीज होगा टीयर वन का, वो मैंने बताया, सेफ मार्क्स बताएंगे यहाँ पे, मेंस एक्सपेक्टेड डेट आपको बता देंगे, टीयर वन रिजल्ट कब तक है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये तो फिर से आ गया, हाँ ये देख लीजिए, एग्जाम शिफ्ट और टोटल एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपका अटेम्प्ट बेस पे है, ये अटेम्प्ट बेस पे है। ठीक है, अटेम्प्ट बेस पे है, ये आप ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट बेस पे है। अगर बात करूँ 18 की थर्ड शिफ्ट का, तो इनका जो स्कोर है 128.89 है, और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो रही 26 की फर्स्ट शिफ्ट रही 124.08, उसके बाद आपकी 18 की थर्ड शिफ्ट रही 128.89, फिर 19 की फोर्थ शिफ्ट रही आपका 130.26, उसके बाद आपकी 14 की सेकंड शिफ्ट है आपकी 131.08, इसका 27 की थर्ड शिफ्ट आपकी रही 136.35, यहीं 27 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 131.63, और यहाँ 19 की सेकंड की शिफ्ट की बात करूँ 131.97, और 14 की थर्ड शिफ्ट की बात करूँ 132.09, ऐसी शिफ्ट आपकी रही हैं।
ये यहाँ पे देख सकते हैं जॉब इसकी सिर्फ 23-27 की इतनी, ये सब आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये अटेम्प्ट बेस पे है, और यहाँ पे अगर बात करूँ सबसे ज्यादा, अगर शिफ्ट में सबसे इजियर शिफ्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो इजियर शिफ्ट आपकी ये तीन रही है। 17 की फर्स्ट शिफ्ट आपकी 139.7 आए, 24 की सेकंड शिफ्ट 139, 20 की सेकंड शिफ्ट 139, और 18 की सेकंड शिफ्ट 39.88, और 26 की थर्ड शिफ्ट ये आपकी रही 141.08। अब बेसिकली क्या है, ये अटेम्प्ट बेस पे आपने अपना स्कोर बताया है, इसमें क्या होता है आपका गलतियां होने की चांसेस रहती हैं, और इसमें कम से कम 10% का मार्जिन आप लेके चलिए, 10% का यहाँ पर नंबरिंग का मार्जिन हो ही जाता है जब आपकी आंसर की आती है, जो आपने सोच रखा होता है उससे कहीं ना कहीं 10% तक ये नंबर आपके कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। मैं एक आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान लो नॉर्मल आपका 130 नंबर है, ठीक है, ये आपका अटेम्प्ट बेस पे आपका रो स्कोर है, ठीक है, अटेम्प्ट बेस पे रो स्कोर है, और मान लो आपकी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट है, ठीक है, आपकी 30 नंबर की शिफ्ट है, मॉडरेट है, तो आपका ये अटेम्प्ट बेस पे मान लेता हूँ इतना, तो आपको जब आंसर की आपकी रिलीज होगी, ये स्कोर आपका हो सकता है 122, 124 के आसपास हो जाएगा, 124 के आसपास हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप नॉर्मलाइजेशन जब आपका यहाँ पे ऐड होगा, नॉर्मलाइजेशन जो आपका ऐड होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो ये इफेक्ट है अटेम्प्ट बेस पे और आंसर की के बाद आपका जो इफेक्ट आता है, वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन आपका उसका लगभग 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 मान के चल रहा हूँ कम 1-2% का रिमेन रह जाता है, बाकी सब कर देता, मतलब 4 नंबर भी आपके बढ़ गए तो 128 नंबर आपके हो गए। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज अटेम्प्ट बेस पे रेशियो है वो लगभग लगभग सेम चला जाता है। अब मैं समझ में आया आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, बेसिकली जो अटेम्प्ट बेस का रेशियो अटेम्प्ट बेस पे जो बताते हैं आप लोग, वो बेसिकली आपका नॉर्मलाइजेशन में हम काउंट कर लेते हैं, लगता है ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है क्योंकि आप उतना बढ़ा के बताते हैं, तो नॉर्मलाइज स्कोर उसको ये फील होता है। आप कभी देखिएगा जो आपका रो अटेम्प्ट बेस पे जो आप बताते हैं और फिर आपका आंसर की से जो रिजल्ट आता है, और फिर आपका जो फाइनल टीयर वन का जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है आंसर की, मतलब आपका स्कोर कार्ड जब देखते हैं, तो आपको लगता है आप यहाँ जाके पहुंचते हैं, आप फिर से यहाँ पहुंच जाते हैं। बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आपको जानना होगा कट ऑफ कितनी गई, तो कट ऑफ आप यहाँ पे देख लीजिए, याद रखिएगा कट ऑफ ये जो देख रहे हैं इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका प्लस माइनस 3 है, और ओबीसी के लिए भी प्लस माइनस 3 है, और एससी एसटी के लिए प्लस माइनस 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ओएचओएच के लिए प्लस माइनस 4 है। अब यहाँ पे देख लीजिए यूआर की अगर बात करूँ तो 136 के आसपास वैकेंसी जाएगी, प्लस माइनस आपको मैंने बताया 3 कर लेना, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 114 के आसपास जाएगी, ओबीसी की बात करूं तो 124 के आसपास जाएगी, एसटी की बात करूं 103 के आसपास जाएगी, और एससी की बात करूं 189 के आसपास जाएगी, ओएच की बात करूं 188 के आसपास कट ऑफ जाने की बात है, वीएच की बात करूं 98 के आसपास जाने की बात है, और एचएच की बात करूं 76 तक जा सकते हैं, ईएसएम की बात करूं तो 40 तक, अदर पीडब्ल्यूडी की जितनी वैकेंसी होगी आपके स्टूडेंट्स मिल जाते तो उतनी ही कट ऑफ आपकी चली जाती, आपकी कट ऑफ कोई निर्धारण नहीं है कि इतनी कट ऑफ, मैं मान के चल रहा हूं 32 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है, स्टूडेंट इतने आपके मिल जाएंगे। ये टीयर वन का आपके अटेम्प्ट बेस पे आपका, मुझे लगता है ये अटेम्प्ट बेस पे है, याद रखिए अटेम्प्ट बेस पे है ये आपका, और ये अटेम्प्ट बेस मेरा नॉर्मलाइजेशन भी बेस्ड है, ठीक है, याद रखिएगा ये नॉर्मलाइज्ड बेस्ड भी है और अटेम्प्ट बेस्ड भी है, और यहाँ आंसर के बेस पे हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, ये आपका मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपकी इतनी ही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, याद रखिएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अभी कहना ये हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि यार कैसे फालतू चीज जो नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन अगर आप दिमाग से थोड़ा सा अगर इस चीज को ध्यान से सोचेंगे तो मैं जो पॉइंट आपको बताए हैं तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे से समझे। फिर से देखिए यहाँ पे ये है अटेम्प्ट बेस आपका, ठीक है, अटेम्प्ट बेस से आया आंसर के बेस, आंसर के बेस, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज्ड बेस, ठीक, नॉर्मलाइज्ड बेस। अब यहाँ पे 130 आपका नंबर है, इसके बाद आपका 122 हो गए, फिर यहाँ से आपका नंबर बढ़ गया कितना, 6 नंबर मान लो बढ़ो तो 128 हो गया, तो लगभग आप यही पहुंच गए ना, आप जहां थे फिर वहीं पहुंच गए ना। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ये अटेम्प्ट बेस है, ये आंसर के बेस है, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये आप नॉर्मलाइज्ड बेस्ड ही इसको रखिएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड बेस्ड ही रखिएगा इसको, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ही आपकी कट ऑफ है और इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। इसके अलावा अब हमने कुछ जो पॉइंट हमें नोट यहाँ पे आपको बताया, तो उन पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हार्डेस्ट शिफ्ट आपको मैंने बता दी, इजियस्ट शिफ्ट भी बता दी, अब बात कर लेते हैं टीयर वन का सेम मार्क्स मैंने आपको बता दिया, अब आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर की विद इन आपका 7 डेज आ जाती है, विद इन 7 डेज आ जाती है, ठीक है, 7 डेज में आ जाती है, तो आपका 27 को हुआ है खत्म आपका, तो मान के चलिए आपका
फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका आंसर की आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपकी आंसर की आ जाएगा, और वहां से रिजल्ट आपका मान के चलिए अगस्त के लास्ट, अगस्त में फर्स्ट वीक में आएगा, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक